संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के कर्मचारियों के राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से मांगे पूरी ना होने के चलते अब प्रदेश के 70,000 बिजली अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने पर विवश हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान को 2.5 महीने में 13 पत्र लिखने के बाद मिलने का समय देने का अब यूनाइटेड फोरम ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बताया कि ऊर्जा मंत्री एवं प्रमुख सचिव से 2 साल से चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक समस्याओं का निराकरण नहीं किया। अब विद्युत अधिकारी कर्मचारी कभी भी एकजुट होकर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। वीकेएस परिहार, अध्यक्ष यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स। विद्युत कंपनियों में कार्यरत लगभग 1,20,000 पेंशनर्स एवं कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में लगातार 2 वर्ष से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, न मिलने का कोई समय दिया गया है। माननीय ऊर्जा मंत्री और प्रमुख सचिव ऊर्जा से इस संबंध में चर्चाएँ हुई, लेकिन उसमें केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इसीलिए यूनाइटेड फोरम द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को से निवेदन किया गया है कि पिछले 2.5 महीने में हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को 13 पत्र लिखे गए हैं, इसके बावजूद भी मिलने का समय नहीं दिया गया है और न समस्याओं का कोई निराकरण हुआ है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करें कि विद्युत कंपनियों में कार्यरत और सेवानिवृत्त की जो समस्याएं हैं उनमें चर्चा करके उनका निराकरण करें, अन्यथा की स्थिति में संगठित होकर ये कार्य बहिष्कार में भी जा सकते हैं, जिससे कि विद्युत अव्यवस्था हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।